इंटरेस्टिंगली एक पाकिस्तान पोइट की लिखी हुई जो नज्म है वो हमारे पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी, और वो क्यों पढ़ी गई थी और उसकी क्या अहमियत है वो हम उस कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। जाने कब एक अजीब सी हवा चली, इंसान तरक्की करते करते अचानक उल्टे पांव चलने लगा, आगे बढ़ने के वहम में आदम जमाने में पहुंचा और फिर से वहशी हो गया। कुछ बाकी बचा तो सिर्फ इंसानी शक्ल और इंसान होने की गलत फहमी। क्या फिर से हवा बदलेगी और इंसान को सीधे पांव चलना सिखाएगी? नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। पिछले एपिसोड में हमने एक जबरदस्त नए जमाने के आर्ट फॉर्म की बात की जिसका नाम है व्हाटअबाउटरी, और जिसे व्हाटअबाउटिज्म भी कहते हैं। और उसमें हमने बात की थी मणिपुर की, और कैसे मणिपुर के जो इशू है, जो मुद्दा है, उसको कैसे और स्टेट्स के मुद्दों से मिक्स करके भटकाया जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं की जा रही। वो बात समाज के लिए ज़्यादा थी, पर उसके बाद हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट में भी बस इधर उधर की बातें चल रही हैं, भटकाया जा रहा है। बट जो भी हमारे पास इशू है, जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है, उसके बारे में बात नहीं हो रही, उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं बात की जा रही। तो उस एपिसोड के बाद जो फीडबैक मिले, प्रतिक्रियाएं मिली और जो कमेंट्स पढ़ने को मिले, उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर ये लगा कि अभी उम्मीद कायम रखी जा सकती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, और वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो बेहतर हो और हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां से भटक कर या संभल कर फिर वापस बेहतरी की तरफ चल पड़े। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे बदलते समय के साथ साथ आर्ट और समाज में जो बदलाव आया है उसके बारे में, और एक ऐसी पोएट, राइटर और एक्टिविस्ट के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक जिंदगी में दो वतन खो दिए, शी लॉस्ट टू कंट्रीज इन वन लाइफ टाइम। तो शुरुआत करते हैं गदर पार्ट टू से। आज से कुछ 22 साल पहले एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी, जिसका नाम था गदर, एक प्रेम कथा। जबरदस्त पाकिस्तान बैशिंग थी उसमें। 2.5 किलो के हाथ वाला जो अपना हीरो है, उसका हैंडपम्प को उखाड़ फेंकना सबको पसंद आया था। और जैसी भी मूवी थी, जैसा भी उसमें जिंगोइज्म दिखाया गया था वो अलग बात है, पर गाने बहुत अच्छे थे और आज भी सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और मूवी भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी, देखी जा सकती थी, मैसेज उतना बुरा भी नहीं था उसमें। तो अब ये 2 दशकों बाद एक उसका पार्ट टू आ रहा है, सीक्वल आ रहा है, और ट्रेलर में वही शोर शराबा और वही चीखना चिल्लाना देखने को मिला। खैर, मूवी रिव्यू करने के लिए बहुत लोग हैं हमारे देश में, तो आपको जल्द ही उस मूवी जब भी आएगी या उससे पहले भी लोगों के रिव्यू मिल जाएंगे पढ़ने को। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो जो अपना हीरो है, जो कि अब एक लीडर भी बन चुका है, तो उसने इस मूवी की पब्लिसिटी के वक्त मीडिया में ये बोल दिया कि दोनों देशों के लोग तो अमन शांति चाहते हैं, बस जो सियासी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो नफरत बनाए हुए हैं क्योंकि उससे उन्हें फ़ायदा होता है। कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा करते हैं, पर जो बाकी जो आम लोग हैं वो अमन शांति ही चाहते हैं। पर ये बोलते हुए हीरो जो है हमारा, वो भूल गया कि अब वो भी जो सियासत का एक हिस्सा है। तो ये बोलते वक्त वो भूल गए, और जैसा कि होता है आजकल, उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई और लोग आए और कहने लगे कि भाई ये नया भारत है, यहाँ ये अमन वाली बात ना करो तो ही ठीक है। ये नया इंडिया तभी खुश होता है जब उसे ये पूछा जाता है कि हाउस द जोश। तो नया इंडिया मूवी में ही सारी देशभक्ति दिखा देना चाहता है और देख भी लेना चाहता है। इसी हीरो की एक और मूवी आई थी लगभग उसी वक्त, गदर के थोड़ा आगे पीछे, उसका नाम था बॉर्डर। तो जो कि एक वॉर मूवी थी, और उसमें भी बहुत शोर शराबा था, पर फिर भी जो मूवी का जो सोल था, जो
स्ट्रक्चर था वो अपनी सही जगह था। मूवी जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनकी लाइफ के इर्द गिर्द थी, जो मेन मूवी का थीम था वो वॉर था, लेकिन उसमें ये भी दिखाया गया था कि कैसे जब वॉर होती है तो कैसे वो हमारे आर्म फोर्सेस जो या फिर जो डिफेंस में जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उनको कैसे इम्पैक्ट करती है, तो जो फौजी हैं वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, उनके परिवार वालों को क्या झेलना पड़ता है, वो सब भी उस बॉर्डर मूवी में देखने को मिला था। और सबसे अच्छी बात ये थी उस मूवी की जो एंड में जो जिंगोइज्म जो हमें मूवी के दौरान देखने को मिला, जो कि ठीक भी है जब वॉर चल रही होती है उस वक्त हम ज़्यादा भाईचारे की बात नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त अलग ही हमारी फीलिंग्स होती हैं, पर जो एंड हुई मूवी एंड होते होते तो जिंगोइज्म की जगह दोनों तरफ जो बर्बादी होती है वॉर में दोनों देशों के बीच में जो बर्बादी होती है और जो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर पे आने वाली जनरेशन पे उसके बारे में बात की गई थी मूवी के एंड में, तो वो बहुत अच्छा था। जावेद अख्तर साहब ने जो गाना लिखा था इस मूवी के लिए, जो शुरू तो होता है मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए से, और ये गाना बहुत सी बातें करता है जंग के बारे में, उससे होने वाले मसलों के बारे में, बर्बादी के बारे में, और जो गाना शुरू हुआ था मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए से और वो ख़त्म होता है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए पर, तो जैसे व्हाटअबाउटरी करने का टैलेंट होता है वैसे भी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच्चाई देखने और कहने की आदत होती है। ऐसे लोग सियासत करने वालों और सरकारों को बहुत चुभते हैं, तो हम सब ने फैज़ अहमद फैज़ के बारे में काफ़ी सुना है, पर फहमिदा रियाज जो कि उन्हीं के दौर की एक पोएट रही हैं उनके बारे में कम ही बात होती है। फहमिदा 28 जुलाई 1946 में मेरठ में जन्मी थी और फिर पाकिस्तान में उन्होंने होश संभाला। 1960 में पाकिस्तान जिस कारण बना था उस पर बहुत जोर डाला गया, यानी धर्म पर सारा ध्यान था, और ऐसे में फहमिदा और उनके जैसे जो इंटेलेक्चुअल लेखक हैं वो भी उनकी सरकार को कुछ खास पसंद नहीं आया, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी उस टाइम पर। और वो क्यों पसंद नहीं आए, क्योंकि हमेशा की तरह जो ऐसे लोग होते हैं वो आईना दिखा रहे थे सच्चाई दिखा रहे थे। तो फहमिदा जी ने कई किताबें लिखी हैं, अपने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर सवाल खड़े किए हैं, और एक वक्त ऐसा भी आया जब हालात इतने बिगड़ गए थे तो उन्हें पड़ोसी मुल्क यानी भारत में शरण लेनी पड़ी, तो वो एग्जाइल में रहीं भारत में काफ़ी साल, फिर वापस लौट गईं, और जब फिर वहाँ पाकिस्तान में सरकार बदली तो उन्हें भी सरकार का हिस्सा बनाया गया, फिर बात बिगड़ी, फिर उन्हें सरकार से बाहर किया गया, और ऐसे ही बहुत कुछ हुआ उनकी लाइफ में जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर हम पढ़ना चाहें उनके बारे में पता लगाना चाहें कि कैसी रही उनकी लाइफ। तो अपने देश में जब डिक्टेटरशिप के वक्त उन्होंने जो भी देखा महसूस किया तो उनमें उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी नज़्म लिखी, और जो उनकी पोएम का कलेक्शन है उसका नाम है अपना जुर्म साबित है, उस नाम से पब्लिश हुई थी, और भी उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। 2018 में लंबी बीमारी के बाद लाहौर में उनका देहांत हुआ, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है एक इंसान है जो यहाँ मेरठ में पैदा हुआ उसके एक साल बाद ही एक नया मुल्क बन गया, वहाँ चले गए, वहाँ उसने अपने जीवन की शुरुआत की, और फिर कुछ टाइम ऐसा भी आया जब उसे दोबारा भारत में आना पड़ा, अपने देश के हालात जब बिगड़ गए तो वहाँ से भाग करके फिर वापस लौटी, फिर काफ़ी कुछ हुआ। और तो मुझे पहली बार फहमिदा रियाज का नाम तब सुनने में आया या पता चला जब उनकी नज़्म कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे ये मैंने सुनी थी, और उसके बाद जो उनकी बहुत एक फेमस नज़्म है जिसका टाइटल है तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, जो इंडियन पार्लियामेंट में भी पढ़ी गई। कमाल की बात है ना कि जो सियासतदान होते हैं जो लीडर्स होते हैं नेता होते हैं वो प्रोग्रेसिव राइटर्स या इंटेलेक्चुअल लोगों से वैसे तो दूरी बनाए रखते हैं पर उन्हीं की लिखी हुई बातें पढ़ने के लिए वक्त नहीं लगाते। तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में अक्सर लोग शेर व शायरी कर रहे होते हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। तो ऐसा जो आपदा में अवसर खोज लाने जो हमारे नेताओं का टैलेंट है वो कमाल का है। तो इंटरेस्टिंगली एक पाकिस्तान पोएट
की लिखी हुई जो नज़्म है वो हमारे पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी, और वो क्यों पढ़ी गई थी और उसकी क्या अहमियत है वो हम उस बारे में बात करेंगे जब उस नज़्म को हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वो क्यों जो आज हमारा देश जिस हालात में है उसको कितनी बारीकी से वो नज़्म बताती है, और वो भी तब जब वो बहुत सालों पहले लिखी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वो अचानक से हो गया है, ये धीरे 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 माहौल बनता गया और आज हम इस दौर में पहुँचे हैं। अगर आप पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो फहमिदा जी की सभी जो राइटिंग है वो रेखता की वेबसाइट पर ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, ये पढ़कर ही समझ आएगा कि कैसे जो आज हो रहा है वो बहुत पहले लोगों को दिख रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और शायद वो होना तय भी था। फहमिदा रियाज की जो नज़्म है तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, वो इंडिया को डेडिकेटेड थी, इंडिया के हालात को देखकर उन्होंने लिखी थी। तो तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, नज़्म रिटन बाय फहमिदा रियाज, कुछ यूं है। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई, प्रीत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन तराश करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा जारी, होगा कठिन यहां भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहां भी सबकी सांस घुटेगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गनगाना, आगे गड़ा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना, मश्क करोगे तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। ये जो नज्म है तो अगर इसको आप पढ़ेंगे या बिल्कुल गौर से सुनेंगे तो एक एक लाइन जो है वो आज के ज़माने को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रही है। पर बात इतनी सी है कि वो उस जब लिखी गई थी तो ये सोचा गया था कि ऐसा होगा, और कमाल ये है कि वैसा ही कुछ अब हो रहा है। दोनों तरफ के लोगों ने जो कुछ भी झेला था उस वक्त जब ये एक नया देश बना था यहाँ से और दोनों देशों का बंटवारा हुआ था, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन नॉर्थ का जो पार्ट है, पंजाब का, राजस्थान का या गुजरात का, जहाँ बॉर्डर एरिया है, इधर के लोग उधर गए थे, उधर के लोग इधर आए थे, तो बहुत कुछ जो उनको मजबूरी में अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के पलायन करना पड़ा था। तो अगर हम देखें तो मणिपुर में भी कुछ वैसा ही दोहराया जा रहा है, उस बड़े लेवल पे नहीं है बट छोटे लेवल पे भी है। अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो वो सेम ही है। अगर कोई आके मुझे ये बोले कि भाई तुम वट अबाउटरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, बस मैं जो सिमिलैरिटीज हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि जो हो चुका है उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो अब हो रहा है वहाँ कम से कम हम ये जो दर्द है लोगों का वो समझ सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये और ना फैले। तो कोशिश यही कीजिए कि शोर शराबे वाला जो नफरती माहौल जो आए दिन बन जाता है बिना बात के, उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। और इसी माहौल में कुछ मैंने भी लिखा जो कि जिसका टाइटल है मौसम, तो वो कुछ यूं है। जाने कब एक अजीब सी हवा चली, इंसान तरक्की करते करते अचानक उल्टे पांव चलने लगा, आगे बढ़ने के वहम में आदम जमाने में पहुंचा और फिर से वहशी हो गया, कुछ बाकी बचा तो सिर्फ इंसानी शक्ल और इंसान होने की गलत फहमी, क्या फिर से हवा बदलेगी और इंसान को
सीधे पांव चलना सिखाएगी। तो उम्मीद है हम जो उल्टे पांव चल निकले हैं, फिर से कोई मौसम बदले, हवा बदले और हम फिर सीख जाएं सीधा चलना, आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देश का नाम भी नहीं लिया जाता अपने देश में। क्रिकेट मैच भी होते हैं, आज भी होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जब दांव पर लगे हों। BCCI का हमें पता है कि साल का कितना रेवेन्यू है, सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट बॉडी है वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स बॉडी है, और बहुत बहुत पैसा दांव पर लगा होता है, चाहे वो IPL हो या फिर बाकी के क्रिकेट मैचेस हों। यही एक रीज़न है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, माने जाते हैं हमारे देश में। तो इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है, इस साल 2 मैच होने वाले हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में, और उसकी जो बात है अभी से होने लगी है और कैसा उसका जो अभी से टिकटें ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं, बहुत बहुत क्रेज़ है लोगों में। तो बाकी सब कुछ बेशक बंद हो, हमने फ्लाई जोन बंद कर रखे हो दूसरे देश के साथ, या फिर वहाँ पे आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कतें होती हों वीज़ा लेने में, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट होता है, करोड़ों अरबों की कमाई होती है लोगों की, और लोग भी इंजॉय करते हैं क्रिकेट मैच दोनों देशों के बीच। वो बात अलग है कि बाकी अगर कोई आर्टिस्ट चाहे या कोई कलाकार चाहे कि यहाँ आके वो अपने शोज़ करे, या यहाँ का कोई चाहे कि वहाँ जाके शोज़ करे, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आएगी किसी को, शायद और काफ़ी टाइम से आना जाना बंद भी है कलाकारों का। तो डर शायद ये हुआ कि भाई क्रिकेटर्स तो एक दिन मैच खेलेंगे और उनको कुछ कहने का तो मौका मिलेगा नहीं, वो मैच खेल के चलते बनेंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार हैं, वो कहीं कुछ ऐसा ना कह दें जिससे अमन की बात ना कर दें वो लोग, और जो आम जनता है उसे सच्चाई नज़र ना आने लग जाए। तो शायद यही वजह है। कमाल की बात ये है कि ऐसे माहौल में जब आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई कोई दोनों कंट्रीज़ के लोग आपस इधर उधर ईजिली जा सकें, वीज़ा नहीं मिलता है उन लोगों को, ऐसे माहौल में दो क्रांतिकारी औरतें भी हैं और उनका नाम है सीमा और अंजू, जो इधर से उधर और उधर से इधर अचानक से पता नहीं कैसे आ गई हैं। और अगर आप न्यूज़ देखो या न्यूज़ के हेडलाइंस देखो तो आपको बहुत टाइम से मणिपुर या कुछ और जो इंडिया की न्यूज़ है वो कम दिखाई देती थी, सीमा 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 दिखाई दे रहा था, और उसके बाद अब एक नया एंगल आया, अंजू 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 दिखाई दे रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल अचीवमेंट ये है कि मैंने अभी तक दोनों न्यूज़ के बारे में अपने आप को रोके रखा है, पढ़ने के बारे में या सुनने के बारे में, दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि क्या माजरा है, पर इतना मुझे पक्का पता है कि वही डिस्ट्रैक्शन वाली बात है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कितना ध्यान भटकता है, और ये वक्त ही बताएगा कि हमने कितना ध्यान भटकाया ऐसी न्यूज़ में इन क्रांतिकारी औरतों के बारे में सुनकर, और उस बीच क्या क्या हुआ जो हमसे छुपाया गया या हम नहीं देख पाए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ी है, कि दोनों तरफ के परिवार सालों बाद मिल रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर बनने के बाद, तो ये देखना सुखद भी है कि जब 70-80 साल बाद कोई अपनों से मिले तो कैसा लगता है, किस तरह से वो याद करते हैं पुरानी बातें और क्या क्या गुजरा उनके जीवन में। तो TV न्यूज़ की जगह अगर आपको इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री मिले या फिर रिपोर्ट्स मिलें, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, तो वो देखें, अच्छा लगेगा। बाकी अंजू और सीमा की जो न्यूज़ है वो तो न्यूज़ में कहीं ना कहीं खाई जा रही है। तो पॉडकास्ट के एंड में फहमिदा रियाज की ये उम्मीद से भरी एक नज़्म, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। और इसी उम्मीद भरी लाइंस के साथ एंड करते हैं इस एपिसोड को।
तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड में। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड क्रिएटिव। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।